हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू गोभी मटर की सब्जी। ये एक सीजन रेसिपी है। ठंडे ठंडे मौसम में आलू गोभी मटर की सब्जी खाने का मजा ही कुछ अलग है। आप इसे रोटी, पराठा या तो गर्मा गर्म राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम बंगाली कैसे आलू गोभी मटर की सब्जी बनाते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा फूल गोभी लिया है। तो चलिए पहले हम गोभी को पीसेस में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोभी को पीसेस में कट कर लिया है और पीसेस को मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, क्योंकि गोभी काफी सॉफ्ट होता है, कुक करने के टाइम पे टूट जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गोभी के पीसेस को थोड़ा बड़ा रखा है। तो पहले हम गोभी को बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक। अब इसमें डाल देते हैं हमारे फूल गोभी की पीसेस को। गोभी को बॉईल करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। पर गोभी को बॉईल करने से गोभी में जो स्मेल होता है ना, वो घट जाता है। गोभी के साथ हम आलू को भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिया है और साथ ही में डाल देते हैं 1/2 कप हरे मटर। तो गोभी के साथ साथ हमारे आलू और हरे मटर भी थोड़ा सा कुक हो जाएगा। पर यहाँ पे हमें गोभी को बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है, नहीं तो गोभी को कुक करने के टाइम पे ये टूट जाएगा। 3 मिनट के बाद ये देखिए पानी में बॉइलिंग आ गया है। तो इससे ज्यादा हम गोभी को बॉइल नहीं करेंगे, फ्लेम को स्विच ऑफ कर देते हैं और इसकी पानी को अब हम स्ट्रेन कर लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई पे डाल देते हैं 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, यानी कि रिफाइंड ऑयल। तो पहले हम तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है तो पहले हम आलू और फूल गोभी को फ्राई कर लेते हैं। आलू और गोभी को फ्राई करने से ना आलू और फूल गोभी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसीलिए पहले हम आलू को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम फूल गोभी को फ्राई कर लेंगे। तो आलू को हम मीडियम टू हाई फ्लेम में लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू लाइट गोल्डन कलर में फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम आलू को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम फूल गोभी को भी फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम में लाइट गोल्डन कलर होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। पर इसे फ्राई करने के टाइम पे हमें स्पैचुला को बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो गोभी टूट जाएगा। बीच बीच में हमें स्पैचुला को चलाते रहना है ताकि हमारे गोभी हर साइड से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए गोभी लाइट गोल्डन कलर में फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तेल में अब हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच साबुत जीरा। तो जीरा को अब हम 10 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम में सौते कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं प्याज पेस्ट को। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को पेस्ट कर लिया है। तो प्याज को अब हम मीडियम फ्लेम में कुक कर लेते हैं, जब तक कि इसकी पूरी मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे प्याज को चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर प्याज को पेस्ट करके डालने से ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनता है। देखिए प्याज की सारी मॉइस्चर खत्म हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मीडियम फ्लेम में इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि हमारे अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। तो अब हम फ्लेम को एकदम लो पे कर देते हैं और इसमें डाल देते हहैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे हमारी ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया कलर आ जाएगा, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। तो अब हम सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस समय फ्लेम को हमें लो पे ही रखना है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून पानी ताकि हमारे मसाला जले ना। फ्लेम को मीडियम पे कर देते हैं और मसालों को अब हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मसालों को आप जितने अच्छे से भूनेंगे आपकी ग्रेवी खाने में उतना ही टेस्टी बनेगा। तो 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अब हम मसालों को अच्छे से भून लेते हैं।
तो 5 मिनट हो गया है, मैं यहाँ पर मसालों को भून रही हूँ। तो ये देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाला भून गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर प्यूरी को। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज की टमाटर की प्यूरी बना लिया है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे भी हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भून लेते हैं। टमाटर को भूनना बहुत ज़रूरी होता है, इससे टमाटर की खट्टापन चला जाता है। साथ ही में डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक, ताकि हमारी ग्रेवी में थोड़ा नमक का टेस्ट आ जाए। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भून लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर मसालों के साथ अच्छे से भून गया है और मसालों से तेल भी सेपरेट हो गया है। अब हम डाल देते हैं आलू को। तो अभी हम गोभी को नहीं डालेंगे, क्योंकि गोभी को हम मसालों के साथ नहीं भून सकते हैं, नहीं तो गोभी टूट जाएगा। तो हम पहले आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू के साथ साथ हम यहाँ पे हरे मटर को भी ग्रेवी में डाल देते हैं, जिसे हमने गोभी के साथ बॉईल किया था। तो अब हम हरे मटर को भी ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम में अब हम 4 से 5 मिनट के लिए आलू और हरे मटर को ग्रेवी के साथ भून लेते हैं। तो 5 मिनट हो चुका है, मैं यहाँ पे मटर और आलू को ग्रेवी के साथ भून रही हूँ। तो ये देखिए मसालों ने ऑलरेडी तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे फूल गोभी को। तो फूल गोभी को हम मसालों के साथ नहीं भून सकते हैं, नहीं तो हमारी गोभी टूट जाएगा, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें हल्के हाथों से गोभी को ग्रेवी के साथ मिक्स कर देना है। तो गोभी को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी। आलू और गोभी को कुक करने के लिए हमें यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत है। तो इस स्टेज पे आप थोड़ा नमक को चेक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और साथ ही में 3 से 4 हरी मिर्च भी मैंने डाल दिया है स्प्लिट करके। अब हम इसे ढक देते हैं और 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है, तो ये देखिए हमारी ग्रेवी ड्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू बॉईल हुआ है कि नहीं। एक स्पून के मदद से देख लेते हैं। तो ये देखिए आलू एकदम अच्छे से कुक हो गया है और सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कुछ चॉप किया हुआ धनिया। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए फिर से कुक कर लेते हैं मीडियम फ्लेम में। आपको अगर ग्रेवी की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे आलू गोभी की सब्जी रेडी हो चुका है। फ्लेम को स्विच ऑफ कर देते हैं और आलू गोभी की सब्जी को अब हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारी गोभी दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे रोटी, पराठा या तो गर्मा गर्म राइस के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीजन में ये आलू गोभी मटर की सब्जी अपने घर पे जरूर ट्राई करें, वो भी बंगाली स्टाइल। और मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ।